ये हमारे पास ओप्पो F19 है कॉलकम, ठीक है। तो इसमें जो है लॉक लगा हुआ है, इसका लॉक हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो इसका जो है कॉलकम की पूरी सपोर्ट आ चुकी है, ठीक है। और जो है इसका हम लोग लॉक खोलेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने तो जितने भी कॉलकम के फ़ोन हैं आप लोग जो उस पर खोल सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने जो है तो जितने भी कॉलकम होते हैं जिनमें हम आईएसपी लगाते हैं, आईएसपी नॉट लगा सब ये इसके जितने भी कॉलकम के फ़ोन हैं जिनमें हमें इसको खोलना पड़ता था, जितने भी हैं अब जो है हमें इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आईएसपी पिन आउट लगाने की ज़रूरत नहीं है और जो इसकी मेमोरी होती है वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपको टूल खरीदना है अनलॉक टूल वाला, ठीक है। इसको अनलॉक टूल का ओपन करेंगे, इस अनलॉक टूल के अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट आई है कॉलकम के भी। तो इसके ज़रिए जो है वो हम ओप्पो के जो कॉलकम फ़ोन हैं जो आईएसपी पिन से खुलते हैं उनको जो है हम जो है लॉक खोल सकते हैं और उसका FRP वगैरह भी उससे हटा सकते हैं, ठीक है। तो इससे इसका कोई मसला नहीं होगा कि आप जो है इसको खोलो और आईएसपी लगाओ तो इन सब चीज़ों से जान छूट चुकी है, ठीक है। तो अब जो है सिर्फ हमने अनलॉक टूल को ओपन करना है। दे दो इनको यहाँ पे, यहाँ से हम ओप्पो के अंदर आएंगे, सही है। ओप्पो से हम यहाँ पे जो हमारा ओप्पो का मॉडल है कॉलकम का वो हमने यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। यहाँ हमारे पास F19 है तो हम जो है F19 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ से जो है हमने इसको फॉर्मेट कर देना, ठीक है। अच्छा, इस तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि अगर आप ये इसको लगाएंगे और ये फॉर्मेट पर एरर आ रहा है आपका तो इसको जो है आप जो है आराम से फिक्स कर सकते हैं। अभी आप सिर्फ इसको अप डाउन दबा के कनेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेट डेटा फेल दे देगा, ठीक है। तो हमने इसमें ट्रिक ये है कि हमने पावर बटन छोड़ने नहीं है और वॉल्यूम अप डाउन बटन जो छोड़ने नहीं है, सिंपली हमने इसको कॉलकम मोड पे लगाना है वॉल्यूम अप डाउन से, ठीक है। और केबल लगाने देनी है, ठीक है। बटन प्रेस करके रखने, बटन कोई नहीं छोड़ने, बटन जो है हमने छोड़ने नहीं है। अगर बटन छोड़ेंगे तो यूज़र डेटा इसका फेल हो जाएगा। पड़े तो ये फेल हो गया, ठीक है। तो अब जो इसको हम दोबारा फैक्ट्री सेट करेंगे। बटन दबा के रखने सही है, बटन नहीं छोड़ने, ठीक है। और बटन तीनों बटन आप दबा के रखो, ठीक है। ये प्रेस करके रखने बटन, बटन नहीं छोड़े, बटन छोड़ेंगे यार आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये यूज़र डेटा फॉर्मेट हो चुका है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हम ट्राई नहीं करेंगे, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन जो है अगर एरर आ जाता है तो आपने जो है ऊपर वाला ही ट्राई करना है। लेकिन बटन का आपने क्या लगना है, बटन जो है हम नहीं छोड़ने, इसके बटन अगर हम छोड़ देंगे तो ये इसका जो है वाइप नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाइप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे यह वाइप होने के बाद जो ये ऑन होगा, ऑन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, तो ऑन में 3 से 4 मिनट्स ने लिए, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लॉक जो है इसका सक्सेसफुल खुल चुका है, ठीक है। और जैसे आपको जो है इसमें अनलॉक टूल की ज़रूरत होगी, ठीक है। और इसका जो है हम लॉक आराम से बगैर ISP के खोल सकते हैं। इसके अलावा भी कॉलकम के जितने भी फ़ोन हैं जिनकी सपोर्ट अनलॉक टूल पर दी हुई है तो उससे भी जो है हम इसका लॉक खोल पाएंगे। तो जो इसका लॉक जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है, ठीक है। वाला फ़ोन है, ठीक है। इसमें जो है वो लॉक खुलता नहीं था, ISP लगाना पड़ते थे। अब जो है इसकी सपोर्ट आ चुकी है। ये इसने SM6115 662 का इसके अंदर जो है वो प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। ये कॉलकम डिवाइस है, ये लॉक हो चुका, अनलॉक जो है पासवर्ड इसका खुल चुका है। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।